पर ही व्लॉग स्टार्ट करेंगे सुबह से। और यहाँ पे जो है हमारे घर में देसी अंडे होते हैं, क्योंकि अम्मी लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो देसी अंडे हैं। तो मैं हसन के लिए और अपने लिए जो है अंडे बना रही थी। और ये देखें, मतलब देसी अंडे मुझे नहीं, वैसे मैं वायदे में बताऊँ मुझे नहीं पसंद। सो ये दिन का टाइम था और यहाँ पे जी अब्बू लेके आए थे चपली कबाब, और ये इधर घर के पास से ही मिलते हैं और मुझे बड़े पसंद हैं, तो इसलिए वो जो है लेके आए थे। तो अभी जो है मैं प्लेट में डाल रही थी और अम्मी लोगों को दे रही थी, और हमारे मतलब सबके थे अपने अपने, तो मैं उनको दे रही थी। और हसन को तो बहुत पसंद है, उसको मतलब यहाँ पे आता है ना, कहता है कुकू खाना है, कुकू खाना है। सो अभी खाना खाएंगे, लंच करेंगे, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से अपना जो है शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करूँगी कि क्या क्या लिया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सनलाइट से और अच्छी सी रोशनी से। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम लोग गए थे गीगा मॉल, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सफ़ायर हॉल की। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द सफ़ायर हॉल, और जो भी शॉपिंग की है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो इससे पहले जो है मैंने खाना शाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, और खाने में जो थे कबाब मंगवाए हुए थे तो वो आप लोगों से जो मैंने दिखा दिए थे इसी वीडियो में, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा सा बन रहा था, वीडियो बहुत छोटी सी बन रही थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। क्योंकि मैं इससे पहले सोच रही थी कि पूरा जो है शॉपिंग हॉल ही बनाऊं, सो इसलिए जो है। और अभी जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोग को मैं दिखाती हूँ जो ड्रेसेस लिए हैं। और मैंने जो है दो कुर्ते लिए हैं, और मेरी बहन ने जो है उसने ज़्यादा शॉपिंग की है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। और जब कल जो था लास्ट डे था, मतलब कल तो नहीं, अब व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है हम आए हुए, तो इसलिए जो है अभी मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। और व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि ये जो है काफ़ी दिन पहले का था, तो अब जो है मैं डाल रही हूँ। एनी वेज ऐसे ही होता है, पुराने व्लॉग पहले डालती हूँ और फिर जो है न्यू डालती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा जो है टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है वहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है मतलब मैं एक्टिव रहती हूँ। आजकल मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, मतलब आजकल क्या, काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता व्लॉग्स बनाने का, वीडियोस बनाने का, एडिट करने का, कुछ भी करने का, क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ता है। सो यहाँ पे तो ये है कि मतलब मैं वॉइस ओवर नहीं करती, साथ साथ अगर रिकॉर्ड कर दूँ तो सही है, अगर हसन हो तो फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि वो पीछे शोर कर रहा होता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग के जो है लास्ट वीडियो में मैंने जो है बताया था कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर सकी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा, वो भी मैंने जो है शॉर्ट की थी, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा उसको वो फास्ट वो करके तो वो शॉर्ट कर रही थी, तो इसलिए। और इसीलिए जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी व्लॉग्स नहीं होते, सो इसलिए जो है नेक्स्ट बनाई है कि मैं आपको आराम से जो है वन बाय वन जो है शर्ट्स ड्रेस जो भी लिया है कॉस्मेटिक्स एंड ऑल सारा दिखाती हूँ। और इसमें जो है एक परफ्यूम लिया उसने, और उसके बाद जो है एक कॉस्मेटिक की चीज़ ली है उसने, जो है थ्री जो इसके हैं ड्रेसेस, एक फुल ड्रेस है और जो है दो कुर्ते हैं, और मेरे दो कुर्ते हैं। सो मैंने दो ही लिए हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा हाथ होला रखा था, मुझे वैसे पसंद बड़े आ रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए, मैंने दो ही लिए। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत मैं दोबारा आ गई, बातें हो गई, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको दिखाती हूँ मैं जल्दी से कि क्या क्या लिया है, और अब तो ख़त्म हो गई है सेल, सो नेक्स्ट अगर आई तो आप लोग ले लीजिएगा। और थैंक गॉड के मतलब हम लोग उस दिन नहीं गए, क्योंकि हम कभी भी फर्स्ट डे तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, मतलब इतना रश होता है। मैंने वीडियोस देख रही थी मैं लोगों की कि बहुत ज़्यादा रश था, और औरतें बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल वो हुई थी। सो इस तरह के कुछ हो तो आप ऑनलाइन मंगवा लिया करें, तो इतने रश में जाने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन मंगवा लें। सो हम तो मतलब लास्ट डे गए थे, और उस दिन भी जो है हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। अनस्टिच में नहीं हमने लिए, हमने स्टिच में लिए हैं सारे। सो हमारे जो स्टिच के हैं मेरे और मेरी बहन के, वो मैं दिखाऊंगी। अनस्टिच हमने कर ले, मतलब मैं यूजली जो है स्टिच ही प्रेफर करती हूँ अगर अच्छा मिल जाए, वरना मैं अनस्टिच बहुत कम लेती हूँ अगर मुझे अच्छा ना लगे तो। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सो फाइनली जो है आज हम, आई थिंक चौथे पाँचवा आज लास्ट डे था सफ़ायर का, तो हम लोग जो है वैसे ही गए थे गीगा मॉल बच्चों को लेके। तो वैसे ही मैं गई, मैंने कहा देखते हैं, तो वो मैंने और मेरी बहन ने, मेरी बहन ने तो ज़्यादा ले लिया, मुझे दो शर्ट्स पसंद आ गई है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जी दिखाते हैं कि इसमें जो है मेरी बहन ने जो परफ्यूम लिया है वो, सो हियर इज़ द परफ्यूम, उसने लिया है बेला का, और वो ऑलरेडी यूज़ करती है इसकी। और उसके बाद जो है उसने लाइनर लिया है ये, और उसके बाद जो है ड्रेसेस वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये शर्ट लिया, मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। सो गाइस हियर इज द फर्स्ट वन, और ये उसने कुर्ता लिया है, ये मेरी बहन का है। सो
ये इस तरह से सिंपल सा और स्लीव्स इस तरह की बनी हुई है। स्लीव्स थोड़ी डिज़ाइन जो है स्लीव्स का बना हुआ है इस टाइप का। सो ये हो गया फर्स्ट कुर्ता उसका। सो हियर इज़ द सेकेंड कुर्ता, और ये भी उसका है, ये भी हैंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द सेकेंड वन, और ये भी बहुत प्यारा कलर, बहुत फंकी और अच्छा, मतलब समर के लिहाज से बहुत प्यारा है। ग्रीन और पिंक का जो है कम्बिनेशन है, और इसका दामन जो है गोल है आगे से, और स्लीव्स जो हैं इस टाइप की बनी हुई हैं। सो बहुत अच्छा ये भी है, और ये आई थिंक सो इस पे 50% ऑफ था, आई गेस, मतलब 50% 35% था, सो आई थिंक इस पे 50% ऑफ था। सो ये है जी सेकेंड वन। सो हियर इज़ द फोर्थ वन, जो कि मैं पहले एंटर हुई थी तो मैंने उसे कहा था कि ये वाला ले लो, क्योंकि उसके पास ये कलर भी नहीं था, और ये टू पीस उसने लिया, ट्राउज़र भी साथ मैच करके लिया। सो बहुत प्यारा सा है, ट्राउज़र इस तरह का है, ये ट्राउज़र है और ये शर्ट है। शर्ट मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। सो ये उसका थर्ड है, और ये बहुत प्यारा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, और इस पे इस तरह से जो है बटन से लगे हुए हैं, और स्लीव्स इसके इस तरह से हैं, बटन बटन है या पता नहीं क्या है, इसको क्या कहते हैं। सो ये इस तरह से, और बड़ा प्यारा सा कपड़ा है। सो ये है जी, थोड़ा सा काफ्तान स्टाइल में है, और ये उसका थर्ड ड्रेस हो गया। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स ली हैं उसने, और बस अब जो है मैं आपको अपने दिखाती हूँ कि मेरे कैसे हैं दो कुर्ते। ये है जी मेरा फर्स्ट वन, और ये मैंने कुर्ता लिया है, और इस पे जो है 50% ऑफ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। सो ये है जी मेरा कुर्ता, और ये भी बड़ा प्यारा सा, मतलब समर के लिहाज से बड़ा अच्छा कलर है, और इसके स्लीव्स जो हैं सिंपल हैं, ये देखिए सिंपल स्लीव, सिंपल सिंपल ड्रेस, और बहुत प्यारा। ये भी हमने ट्राई करके देखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। सो मैंने दो ही कुर्ते लिए हैं, दूसरा भी आपको दिखाती हूँ, दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मेरे पास कलर भी नहीं था। गाइस हियर इज माय सेकंड कुर्ता, और ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था, और इसका स्टफ भी बड़ा अच्छा है, फॉल वाला सॉर्ट ऑफ, और इसके जो है ऑरेंज और ब्लैक कलर का है, ऑरेंज कलर मेरे पास वैसे भी नहीं था। सो इस तरह जैसे जो है लेस लगी हुई है, सो दोनों बाजू पे लैस लगी है, और ये इस तरह से थोड़ा सा काफ्तान स्टाइल में आ रहा है, और बहुत ही प्यारा सा है। तो जी ये है जी हमारी सफायर की शॉपिंग, मेरे तो दो कुर्ते हैं। सो ये है जी सफायर की शॉपिंग, और हमें कोई रश में नहीं जाना पड़ा, वो तो हम मतलब गीगा मॉल गए थे, तो उधर जो है हम वैसे ही विजिट किया, तो काफ़ी वहाँ पे वैरायटी अभी भी थी, और ये नहीं था कि मतलब जिस तरह फर्स्ट डे रश होती है वैसे कुछ भी नहीं था। सो ये थी हमारी जी शॉपिंग।